Hey guys, welcome back to my YouTube channel again and welcome back to Namchi Vlog. तो guys अभी हम छोटो पोन्स ये जगह घूम चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम बुद्ध पार्क जाएंगे, ज़्यादा नहीं 500-600 मीटर है, ठीक है guys। तो अभी बुद्ध पार्क के लिए निकलते हैं और वहाँ पे अंदर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, कैसे जाना पड़ता है दिखा देंगे आप लोगों को। चलो गाइस थोड़ा ऊपर जाके रुकेंगे और एक फोटो भी लेना है थोड़ा। जादू सा छाने लगा, पागल दीवाने लगा, उछाने आने लगा। एक फोटो यहाँ पे लेंगे गाइस। तो गाइस अभी हम बसने वाले हैं, देख सकते हो स्टैचू पास पास में ही है। एक फोटो तो बनता है गाइस। हेलो ब्रदर, कैसे हो? ठीक ठाक हो? इसमें फोटो खींचेंगे। आई लव प्रॉब्लम। गाइस फोटो शूट हो चुका है तो चलते हैं अंदर, बुद्ध पार्क के अंदर। हम पहुंच चुके हैं बुद्ध पार्क गाइस, यहाँ का बनाएंगे वीडियो और आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो बुद्ध पार्क ही है, बाइक पार्किंग, व्हीकल पार्किंग, होटल, रुक सकते हो आप लोग। तो गाइस अभी अंदर ही जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो घुमा घुमा के जाएंगे मैंने पे में।
गर न आप लोग भी आगे घुमा सकते हो ऐसे स्टेडियम पर पैसा बहुत लगेगा उसके लिए पहले काम करना करना एक महीना फिर उसके बाद आना आप लोग सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे पार्किंग करने के बाद आने के बाद फिर टिकट काउंटर में जाके टिकट काटना पड़ेगा तभी जाने की देगा अंदर आई एम द स्टूडेंट ऑफ तू समझा जीपे तो चल दे कति रहेछ 160 दुईजनामा यस्तो गर्नुहोस् त मलाई 100 रुपियाँ दिनुहोस् न मेरोमा रहेछ 60 दिनुहोस् हामी त स्टुडेन्ट हो नि थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट क्यु नै तो गाइस सबै टिकट हो चुका है पक्रा त भित्र हाल्यो कि फाट्दै अझै पस्यौँ त है गाइस टिकट काट चुका हूँ दो बंदे का 160 है 8 रुपीज है इंडिविजुअल ठीक है तो दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ का व्यू पद्मा संभावा क्लिक ऑल द सिक्स एंड सिक्स 66 तो गाइस आप लोगों में यहाँ का राबोंग टूरिस्ट गाइड मैप दिखा देता हूँ क्योंकि आसान हो जाए आप लोगों को आने में और घूमने में कोई परेशानी ना हो जाए है ना देख सकते हो गाइड मैप बॉटनिक पार्क कर्मा पथरी मोनास्ट्री शंकु के खान से मूंग गाच न अलसम तो विद पार्क भाली ढुंगा बहुत जगह है घूमने के लिए तो गाइस यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉल है रेस्टोरेंट आप लोग आके यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी खा सकते हो ठीक है तो आज आप लोगों में दूसरा रास्ता लेके जाऊंगा जैसे कि फोर व्हीलर चलने वाला है जो लुतपा के अंदर ही चलता है वो गाड़ी चलने का रास्ता है जो लोकल मतलब परमानेंटली यूज़ होने वाला वो रास्ता मैं लेके जा रहा हूँ ठीक है तो अंदर रास्ता लेके जा रहा हूँ सुरंग के रास्ता पे तो और दिन यहाँ से आते हैं आज मैं एक्स्ट्रा रास्ता से आया हूँ दूसरे रास्ते से कस्तो पानी सुख गया ना सारा
गाइस यही बुद्ध जी का स्टैचू गुरु पद्मसंभवा है ना, कितना तगड़ा मूर्ति है, स्टैचू है। तो अभी प्रेजेंटली हम अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ का हाइट मिनिमम 1400 टू 2000 में है ये, ठीक है। ये है शिव मंदिर। वैसे तो मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, पर ब्लॉग के लिए मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। चोटी में एक हाइट में है स्टैचू, चलो बाद में दिखा देता हूँ यार, पहले तो अंदर चलते हैं। मोनेस्ट्री के अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर बाहर से दिखा दूंगा आप लोगों को। सीढ़ियाँ चढ़ने में हाँ बढ़ जाएगा। फोटो गैलरी विथ म्यूजियम लाइब्रेरी। कहिले नआएको जस्तो गर्नु त पऱ्यो नि अब। So wonderful. यो यस्तो मन्दिरहरू जाने जस्तो सिँढी किन बनाउँछ है? हिँड्नुपर्छ नि, हेरे अनुसार हुन्छ नि त भाइ। यस्तो दामी रहेछ नि त, अन्त मान्छे राख्दैन भन्ने रहेछ त। गाइस यहाँ पे वैसे जो टूरिस्ट आते वैसे नहीं आता है, इतना बड़ा अच्छा अच्छा स्टैचू है ना, वो भी बुद्ध, लॉट ऑफ बुद्ध, हाँ शांति है ना, प्लीज तो इसलिए आते सिक्किम पे। फाइनली पहुंच चुके हम, चलो वाह।
चलो चप्पड़ी कहाँ कर देंगे पहले। तो गाइस आप लोगों को ये जूता पार्क बुद्ध जी का स्टेचू कैसा लगा और यहाँ का मौसम कैसा लगा, क्लाइमेट कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करना प्लीज़ गाइस। बैक डोर दे स्टैचू का गाइस बुद्ध पार्क है ऐसा। आप लोग कैसा लगा? तो गाइस मैं ऐसे तो यहाँ से आप पहले भी बता दिया बहुत बार आ चुका हूँ और ब्लॉग के लिए पहली बार आया हूँ ठीक है। तो मैंने अभी तक यहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया था तो आज सो भी मेरा सपना पूरा हो चुका है अभी आप लोगों की बदौलत है ना, क्योंकि आप लोग भी दिखा सकूँ और खुद भी आ सकूँ। ये थोड़ा तो आप लोग बैठ के आराम से शांति से बैठ सकते हो, चलो शांति से कर सकते हैं। इधर क्या हमारे दीदी ना लाई बोलो मेरा वैलेंटाइन डे इस पाली का ख़त्म हो गया, इस पाली का नहीं इस साल का ख़त्म हो गया। तो गाइस कोई लड़की है पसंद करती है सतंग राइडर को तो प्लीज़ सतंग राइडर से जाके उसको कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे। तो चलो गाइस अंदर नहीं जाएंगे तो वापस आ रहा हूँ मैं, थोड़ा फोटोग्राफी करके वापस ले जाएंगे। तो गाइस अभी हम अंदर विजिट कर चुके हैं ठीक है, अभी अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो देख सकते हो, पीछे देख ही सकते हो। तो अभी अंदर से बाहर एग्जिट की तरफ जा रहे हैं तो क्योंकि अभी टाइटैनिक व्यू पॉइंट भी जाना है तो इसलिए निकल रहा हूँ यहाँ से। ये हाल तो ये पता है ना उसको पीस के ना होगा मैं डाल के फिर बैंडेज करके पसंद।
गाइस आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे घूम चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस दूसरे ब्लॉग पर। और अभी तक देख रहे हैं है ना मेरा ब्लॉग, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।